डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने निकाला था प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, जो पैराबोलिक इक्वेशन हमने निकाली थी पैराबोलिक पाथ के लिए, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। आज हम आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा पॉइंट हमें है, जो हमें निकालना है प्रोजेक्टाइल के लिए, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट। ये वो टाइम है जिस टाइम के दौरान जो ये प्रोजेक्टाइल है, कोई पत्थर है या कोई भी चीज है जो हमने प्रोजेक्टाइल में डिस्कस किए है, जितनी देर ये हवा में रहता है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट और रिमेन्स इन एयर बिटवीन ओ एंड बी। ओ इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड बी इज पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के दौरान प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है बिटवीन टू पॉइंट्स ओ एंड बी। याद रखे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट। टाइम कितना लगा ओ से एच तक, कितना टाइम लगा ओ से एच तक, प्लस एच से बी तक। एज द पाथ इज सिमेट्रिक, इसका मतलब ओ से एच तक जो टाइम लगेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। What is time of ascent? The time taken by the projectile from the point of projection to the highest point, plus time of descent, D-E-S-C-E-N-T, descent. As the path is symmetrical, therefore time of ascent or time of descent बराबर रहते हैं। Highest point से point of hitting the ground से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड तक बराबर टाइम रहते हो गया टी प्लस टी। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टी इज इक्वल टू टू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर, कल हमने कंटिन्यू की थी इक्वेशन, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। यहां पर दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ We know equation of motion है हमारे पास। First equation v is equal to u plus at। मगर projectile vertical motion में ऊपर जाता है, y axis की तरफ जाता है, इसलिए vy is equal to uy plus at। याद रखिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी vy है, जब यहां से निकलेगा तो uy इनिशियल वेलोसिटी, तो vy एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हाईएस्ट पॉइंट पर, जितना जितना ये ऊपर जाएगा u sin थीटा कम कम होता जाएगा, फाइनली इट बिकम जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर ये जीरो नहीं बनता, ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये और ऊपर जाना था, जब ये वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो बनता है ये वहां से वापस आना शुरू कर देता है, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी एट एच वी वाई इज इक्वल टू जीरो, यू वाई इज इक्वल टू, शाबाश, पता है आपको यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो इसमें लगा दीजिए। अच्छा, ए वाई मैंने कल भी बताया था, कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वाई एक्सिस, ये माइनस जी लेना होता है, तो
सारे वैल्यूज सबस्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में, शाबाश बता दीजिए, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, शाबाश, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, इस जी टी को मैंने इधर लाया, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं फॉर्मूला यहां पर लिख के रखता हूं, टी इज इक्वल टू, शाबाश, यू साइन थीटा अपॉन जी, इसको नोट करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये मुझे जरूरत पड़ेगा आगे भी, थर्ड। इस टी का वैल्यू, इस टी का वैल्यू इसमें डाल दीजिए इक्वेशन सेकंड में, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, शाबाश, थर्ड का वैल्यू सेकंड, थर्ड का वैल्यू फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, टी विल बिकम टू टाइम्स यू साइन थीटा अपॉन जी, टी का वैल्यू मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर और दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मैंने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके लिए। तो ये फॉर्मूला भी मैं यहां पर नोट करता हूं, टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये नोट करना है आप लोगों को। मैं ये बताता हूं कि आप लोगों को जब भी कॉपी पर लिखोगे इसको रफ वर्क कर दीजिए, रफ पर दो बार निकाल दीजिए इन इक्वेशंस को, तब जाके आप लोगों को आएगा। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों के सामने किस तरीके से निकालते हैं। अब दो इक्वेशनें मैंने निकाली, ये टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट के लिए, और ये निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअल वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो हमें पॉइंट निकालना है, दैट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे आप। थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इधर देख लीजिए, हाइट अलॉन्ग वाई एक्सिस जाएगा, कितनी हाइट है इसने एक्यूर की है ए एच प्रोजेक्टाइल, ऐसे ऊपर गया फिर वापस आ गया ग्राउंड से, कितनी हाइट इसने एक्यूर की, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अबोव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अबोव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एच, एच से डिनोट करते हैं, और इस डायग्राम में मैक्सिमम हाइट है ए एच, मैक्सिमम हाइट। और अब इसी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है अलॉन्ग वाई एक्सिस, वी नो वाई इज इक्वल टू, मैंने ये इक्वेशन पढ़ाई हुई है कल, वी नो, शाबाश, वी नो वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन है? इट इज जस्ट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वायर एस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट, शाबाश। हियर वाई नॉट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल ठीक। यू वाई इज इक्वल टू, शाबाश, u sin theta, ay is equal to minus g, acceleration due to gravity along y axis, यह हमेशा क्या लेना पड़ता है? minus g, acceleration along x axis is taken as zero, तो
वाई वाई है वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग वाई एक्सिस दैट इज एच. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वाई इज इक्वल टू एच, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस. इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स, शाबाश, इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स, इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स, बता दीजिए शाबाश, इक्वेशन फिफ्थ क्या बनेगी. एच इज इक्वल टू, एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, वाई नॉट का मतलब जीरो प्लस यू वाई, यू साइन थीटा इंटू टी, ये टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. सिंपलीफाई कर दीजिए शबाश, एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, माइनस को मैंने बाहर निकाला. अब दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स, मगर इक्वेशन थर्ड में टी का वैल्यू निकाला हुआ है, बट स्मॉल टी इज इक्वल टू, शाबाश, यू साइन थीटा अपॉन जी, टी का वैल्यू यहां पर निकाल के रखा, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एच विल बिकम यू साइन थीटा इंटू टी, शाबाश, यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, यू साइन थीटा अपॉन जी, ये लगा दिया मैंने टी का वैल्यू, माइनस हाफ ऑफ जी टी का वैल्यू, शाबाश, यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, ठीक है. तो सिंपलीफाई कर दीजिए, यू इंटू यू, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल. अब दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी. इन दो में से एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा टू जी, ठीक है, टू जी एलसीएम आएगा. इन दो में से ऊपर आएगा टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडरस्टैंड किया. इन दो में एलसीएम निकाल के, तो दो में से एक निकाल दीजिए, ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी. दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, ये आ गया रिलेशन मैक्सिमम हाइट के लिए, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट. याद रखिए ये है, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी. आप लोग देख सकते हो फिर से, ये इक्वेशन लिखनी है अलॉन्ग y एक्सिस, ये मैंने सिखाई है कैसे लिखते हैं, y नॉट जीरो है, यू वाई यू साइन थीटा ए वाई माइनस जी, और y लेना है h अलॉन्ग y एक्सिस. सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए वैल्यूज, इक्वेशन ये आएगी, t का वैल्यू ये है, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, कैसे आएगा, इन दो में से 2g एलसीएम ले लीजिए, ऊपर आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये आ गई मैक्सिमम हाइट, क्या आ गई मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. देख लीजिए आप लोग, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट. अब रह गया हमें फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रेंज, फोर्थ पॉइंट, शाबाश, फोर्थ पॉइंट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज, शाबाश, हॉरिजॉन्टल रेंज है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस.
हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो ये है, ये वर्टिकल एक्सिस है, कितनी डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने की फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड तक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. याद रखिए, वी नो, यह हमें पता है, डिस्टेंस किसके बराबर होती है? शबाश, डिस्टेंस होती है बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम. शबाश, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है यहां पर? हॉरिजॉन्टल रेंज, एच आर लिखा मैंने, हॉरिजॉन्टल रेंज. वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है यहां से? यू एक्स मल्टीप्लाई टाइम, कितना लगता है ओ से बी तक पहुंचने में? दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बराबर यही इक्वेशन बन गई. हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस है, वेलोसिटी ये है, टाइम कितना लगता है यहां से वहां तक, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. शाबाश, हॉरिजॉन्टल रेंज किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से. यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी. व्हाट इज कैपिटल टी? शाबाश, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, लगा दीजिए वैल्यू. आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट. व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टू यू साइन थीटा अपॉन जी. कैलकुलेशन कर दीजिए, ये हो गया आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू इंटू यू यू स्क्वायर मल्टीप्लाई टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी. फॉर्मूला है, मैथ वालों को पता होगा, बट ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, ये फॉर्मूला है. ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन टू थीटा. यहां पर लगा दीजिए वैल्यू, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा अपॉन जी. दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज. ये आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना होता है हॉरिजॉन्टल रेंज? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा अपॉन जी. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज. सिंपल है, डिस्टेंस किसके बराबर? वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस है यहां पर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी है यू एक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट ये है आर. यू एक्स है यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट टी, टाइम ऑफ फ्लाइट टी का ये वैल्यू यू टू यू साइन थीटा अपॉन जी लगा दीजिए. ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा के बजाय साइन टू थीटा, ये आ गया रिलेशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए. इसके बाद लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फिफ्थ पॉइंट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बताता हूं. आप लोग देख लीजिए, अगर मैंने ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे किया, मान लीजिए एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री पर ये कितना दूर जाएगा ये देखना है. जैसे यहां पर मैं आपको समझाता हूं, हमें देखना है अगर 30 डिग्री एंगल बना दिया हमने, 30 डिग्री पर कितना दूर जाएगा, 40 डिग्री पर कितना दूर जाएगा ये देखना है, 60 डिग्री पर कितना दूर जाएगा. मतलब एंगल आप लोगों ने बढ़ाना है, तो ये देखना है हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा. अगर 70 उसमें हाइट हमने दे दी,
हाइट ज्यादा दे दी लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज कम हो गया। जिस तरीके से अगर बैट्समैन सिक्सर मारता है तो अगर उस सिक्सर की हाइट ज्यादा हो गई तब जो बाउंड्री के बाहर जाना होता है, कभी कभी हाइट ज्यादा होने के कारण बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाता है और कैच हो जाता है। इसका मतलब अगर ज्यादा हाइट गेन की उसने, हॉरिजॉन्टल रेंज कम हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है किस एंगल पर सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा, वही है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। किस एंगल पर, किस पर्टिकुलर एंगल पर, किस पर्टिकुलर एंगल पर मुझे पत्थर को फेंकना है या जेवलिन थ्रो करना है ताकि पत्थर सबसे दूर जाए, ये आप लोगों का बताना है कि किस पर्टिकुलर एंगल पर एथलीट्स को कहा जाता है कि आप जेवलिन थ्रो कर दीजिए या हैमर थ्रो कर दीजिए, किस पर्टिकुलर एंगल पर, ताकि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो। ये है टॉपिक। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल रेंज हमने निकाला हुआ है, वी नो हॉरिजॉन्टल रेंज। इससे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज हमने निकाला आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। देखो जी तो चेंज नहीं होगा, यू वेलोसिटी है ये भी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में जो वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस इट रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब अगर चेंज होगा तो वो एंगल होगा। आर विल बी मैक्सिमम, आर मैक्सिमम होगा इफ साइन टू थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। अगर साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा तब आर मैक्सिमम होगा। इसका मतलब साइन टू थीटा, साइन कब मैक्सिमम होता है, शाबाश, साइन कब मैक्सिमम होता है, जब इसका वैल्यू वन हो। साइन का वैल्यू कब वन होता है, जब साइन 90 डिग्री हो, ठीक है, ये वन तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तभी तो वन बन जाएगा, तभी मैक्सिमम वैल्यू बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन टू, टू वन आर 245, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया थीटा जब मैं लगाऊंगा इसमें 45 डिग्री, आर मैक्स, शाबाश, आर मैक्स क्या बन जाएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी, क्या आएगा, शाबाश, यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन जी। साइन 90 कितना है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो आर मैक्स क्या आएगा, शाबाश, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। इसलिए अगर हमें प्रोजेक्टाइल को दूर भेजना है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देना है, तो किस एंगल पर हमें इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। दस इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हमें क्या करना चाहिए, कितने एंगल पर रखना चाहिए हमें, 45 डिग्री पर, तब जाके ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एक्योर करेगा। आप लोग दिवाली पर बोतल में हम मान लीजिए बोतल है, इसमें हम रॉकेट रखते हैं दिवाली के दिन इसको जलाने के लिए। अगर हम बोतल को ऐसे रखेंगे रॉकेट तो सीधा ऊपर जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो एक्योर ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें मैक्सिमम दूर भेजना है इस रॉकेट को, जो बच्चे जलाते हैं दिवाली पर, अगर हमें इसको मैक्सिमम, तो हमें बोतल को इस तरीके से रखना है
ताकि ग्राउंड के साथ ये जो बोतल है कितने एंगल पर होनी चाहिए, 45 डिग्री, तब जाके ये रॉकेट बहुत दूर जाएगा, ऐसे बहुत दूर जाएगा। इसलिए ये याद रखना, इन ऑर्डर टू अटेन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी 45 डिग्री। दैट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।